नमस्कार, आप सुन रहे हैं अरविंद की कहानियाँ और आज की कहानी है अकेली औरत। ये बात उन दिनों की है जब बड़े बड़े शहरों को छोड़कर छोटे शहरों, कस्बों और गांव में प्राइवेट स्कूल बिल्कुल ना के बराबर ही थे। इसे अगर इस तरह कहा जाए कि प्राइवेट स्कूल थे ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चाहे कोई अमीर हो, गरीब हो, छोटा हो, बड़ा हो, किसी नवाब का हो या पंडित का, किसी बड़े सरकारी अधिकारी का हो या फिर छोटे मुलाजिम का, लाहौर का हो या सोनार का, किसी व्यापारी का हो या मजदूर का, सभी के पुत्र पुत्रियों को इन्हीं सरकारी स्कूलों में पढ़ना होता था। यूं तो लड़के और लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल और कॉलेज थे। समाज और जमाने पर आज जैसा रंग तो नहीं था, किंतु अब कुछ स्कूल और कॉलेजों में लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ने लगे थे। हालांकि उन पर बहुत गहरी और पैनी नजर रखी जाती थी। इस तरह के स्कूल और कॉलेजों में महिला और पुरुष दोनों टीचर भी हुआ करते थे। यद्यपि महिला टीचरों की संख्या पुरुषों के मुकाबले काफी कम हुआ करती थी और अभी भी सामान्यतः पुरुष टीचरों को उस्ताद और महिला टीचरों को उस्तानिया कहने का रिवाज खत्म नहीं हुआ था। प्राइमरी पाठशाला की शिक्षा पूरी करने के बाद मेरा एडमिशन जिस जूनियर हाई स्कूल में कराया गया था, उस स्कूल की बाउंड्री वॉल जहाँ से शुरू होती थी, इसके ठीक पहले एक आरा मशीन थी। आरा मशीन मतलब लकड़ी काटने और चीरने की मशीन। इस आरा मशीन के मालिक मिर्जा दिलशाद बेग थे। एक रंगीन मिजाज आदमी, हल्के लाल रंग की रंगी हुई दाढ़ी और उसी रंग के बाल, कमर पर हमेशा बंधी रहने वाली चार खानों वाली लुंगी और ऊपर एक सफेद कुर्ता, पूरे कस्बे में यही उनकी पहचान थी। उनकी पहचान थी उनकी आरा मशीन के ठीक पीछे ही उनका एक आलीशान घर, जिसमें बकायदा बटे हुए तीन पोर्शन थे, तीन बेगमों के लिए। कहते हैं मिर्जा तीनों बेगमों से बहुत प्यार करते थे, तभी तो पहली बेगम के चार और फिर बाकी दोनों से अभी तक तीन तीन बच्चे थे। मिर्जा साहब का रुतबा उस छोटे शहर में इस कारण से बहुत भारी था क्योंकि वह स्कूल के प्रबंधक भी थे। इस कारण स्कूल के प्रबंधक और टीचर उनके सामने से आते जाते सलाम बताते तो गर्व से उनका सीना फूल जाता। बहुत से अभिभावक भी जब किसी काम से स्कूल आते तो बिना मिर्जा की जी हजूरी किए वापस नहीं जाते थे, और इसमें सभी अभिभावकों को अपना फायदा भी नजर आता। और मिर्जा साहब के दरबार सभी की औकात उसके द्वार की जाने वाली जी हजूरी के अनुपात से थी, ना कि उसकी जाति पाति और धर्म से। यही कारण था कि पूरे कस्बे में सभी के बीच समान रूप से सम्मान प्राप्त था। सबसे मजेदार बात तो ये थी कि स्कूल की चार महिला उस्तानिया में से कोई उन्हें देखकर बड़े अदब से सलाम करती तो उनके चेहरे पर छलक आए नूर को देखते ही बनता था। अब मिर्जा साहब और उनकी बेगमों को क्या पता था और क्या नहीं, ये तो किसी को मालूम नहीं, परंतु उनके इस नूर की चर्चा पूरे शहर में रहती थी। यूं तो उनकी उम्र 50 से कम ना रही होगी, परंतु लगते वो 40 के ऊपर नहीं थे। तीसरी शादी उन्होंने अभी बस 5 साल पहले ही की थी। शहर में उनका बहुत नाम था और हर कोई उन्हें जानता था। एक और खास बात थी उनमें, वो ये कि उनकी याददाश्त बहुत तेज थी। जिससे भी एक बार मिल लेते उसे वो हमेशा याद रखते। स्कूल की चार उस्तानियों में नाजनीन बेगम का सबसे अधिक सम्मान था। कारण यही था कि वो प्रबंधक और प्रिंसिपल की विशेष पसंद थी। उनके पति खलीद महमूद रोज उन्हें आरा मशीन के पास तक छोड़ने आते और शाम को वैसी आरा मशीन के सामने सड़क के दोनों ओर पड़े लकड़ियों के बड़े बड़े सिलापट पर तब तक बैठे रहते जब तक उनकी बेगम स्कूल के कैंपस से बाहर नहीं आ जाती। इसे देखकर स्कूल की अन्य उस्तानिया और आसपास अन्य सभी महिलाएं उनसे जलन रखती थी। उन्हें प्यार और इंतजार करने वाला एक नेक दिल पति जो मिल गया था, वो कभी भी मुख्य बाजार से होकर आने वाले सीधे रास्ते से कभी ना आते और ना जाते, बल्कि आरा मशीन की बाउंड्री जहां से शुरू होती थी उसके ठीक बगल में एक पतली सी गली थी। इसी गली से होकर वे आते और गली के ठीक मुहाने पर अपनी पत्नी को छोड़कर चले जाते।
और शाम को भी उसी गली के मोड़ पर पड़ी हुई लकड़ियों के सिरे पर बैठकर वे इंतजार करते रहते। वैसे तो सभी उस्तानियां नकाब पहनाती थी और टीचर रूम में आकर अपनी नकाब को उतार कर रख देती थी, फिर जाते समय पहन लेती। लेकिन नाज़नीन बेगम जब आरा मशीन के सामने पहुंचती, तभी अपनी नकाब को उतार कर पर्स में रख लेती। उसके बाद दो बड़े अदब से मिर्ज़ा दिलशाद को सलाम बोलती और शाम को भी सलाम बजाने के बाद ही अपनी नकाब को पहनती। अब ये बात उनके पति खलीद महमूद को पता थी या नहीं, इसे कितने लोग जानते थे या नहीं, इसका कोई खास मतलब तो था नहीं, किंतु स्कूल में इस राज की चर्चा रहा करती थी। अक्सर लोग कहते रहते थे कि उन दोनों के बीच कुछ पक्षक रहा है, लेकिन ये बात सही बिल्कुल ना थी, क्योंकि नाज़नीन बेगम अपने साथ के सभी उस्तादों और अभिभावकों से भी बड़ी अदब से मिलती थी। जो भी उनसे मिलता उनकी तारीफ में दो शब्द कहे बिना रह नहीं सकता था। उनका व्यवहार समाज के प्रचलित मान्यताओं और चलन से थोड़ा अलग था, और यही उनकी खास बात थी जो उन्हें दूसरों से अलग करती थी। लेकिन उस छोटे से दकियानुसी कस्बे में उनकी इस विशेषता को लोग अपने मन के हिसाब से कमी के रूप में देखते थे। वैसे देखा जाए तो ये कोई खास बात तो थी नहीं, फिर भी छोटे शहरों में इस तरह की छोटी छोटी बातों को लोग बड़े मजे लेकर सुनाते तो अन्य बड़े चाव से सुनते थे। इन सब खुराफात की बातों को छोड़ दिया जाए तो नाज़नीन बेगम इतिहास पढ़ाती बहुत अच्छा थी, इतना कि कोई भी लड़का उनकी क्लास को मिस करना नहीं चाहता था। अपने हसमुख स्वभाव के कारण 45 की उम्र में भी 30 से ऊपर की नहीं लगती थी। कोई भी उन्हें अकस्मात देख लेगा तो विश्वास ही ना करता कि पिछले 20 सालों से वह इसी स्कूल में पढ़ा रही है। उनकी बातचीत का लहजा तो शानदार था ही, देश समाज और स्कूल के प्रति उनके विचार दकियानुसी बिल्कुल भी नहीं थे। कायदे से देखा जाए तो उस छोटे शहर में प्रचलित मान्यताओं से उनका मेल मिलाप कम ही रहता था। सच पूछो तो वो आजाद ख्यालात की थी और अपने आसपास के रहन सहन के वातावरण में वे अपने आप को एडजस्ट करती थी, लेकिन फिट बिल्कुल भी नहीं थी। उनके पति उन्हें रोज स्कूल तक छोड़ने आए, फिर लेने भी, ये उन्हें पसंद नहीं था। फिर भी जीवन भर के साथी होने के कारण वे ये सब बर्दाश्त करती थी। अब उनके मियाँ जी अर्थात पति देव कुछ करते धरते तो थे नहीं, केवल पुश्तैनी संपत्ति थी जिसका किराया आता था, उसी से अपना काम चलाते थे, और फिर कमाने वाली बीवी थी जिसके पैसों पर ऐश करते थे। दिन भर इधर उधर के चौराहों पर या फिर अपने किरायेदारों के दुकानों पर बैठकर गप्पे मारना उनका प्रमुख काम था। मियाँ जी पुश्तैनी रईस थे, लेकिन रईसी तो बची नहीं थी। फिर रोज शाम को घर के बाहर वाले कमरे में दोस्तों और मोहल्ले वालों की महफिलें जमती थी। शेर व शायरी से लेकर राजनीति तक कोई मुद्दा अछूता नहीं रहता था। इस महफिल में ऐसा कोई मुद्दा नहीं था जिस पर तगड़ी और लंबी बहस ना हो। हर कोई अपने अपने ज्ञान के क्षेत्र में कमाल था, ना कोई किसी से कम और ना ज्यादा। नाज़नीन बेगम घर के बाहर जमी इस महफिल को पसंद नहीं करती थी। हंसी मजाक के ठहाकों को वो बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। फिर भी जैसे मियाँ जी का चाय पानी का हुक्म हो, वो उस हुक्म की यथा समय तामील करती थी, बिना कोई ना नुकुर किए। 25 की उम्र में जब नाज़नीन बेगम ब्याह कर इस घर में आई थी, तब उनके मियाँ जी 30 के रहे होंगे। सबसे खास बात ये हुई कि एक साल बाद ही उनको हमारी स्कूल में पढ़ाने की नौकरी मिल गई थी। शुरू में तो थोड़ी ना नुकुर हुई थी, लेकिन घर के हालात उतने ठीक नहीं थे, इस कारण उन्हें नौकरी करने की इजाज़त मिल गई और मियाँ जी को महफिल जमाने और दूसरों की महफिलों में जम के बैठने की फुर्सत भी। वो कहते हैं ना कि खबरों के पास अपने खुद के पंख होते हैं, इस कारण वे उड़ती रहती है और खास कुछ टाइप की खबरें कभी पुरानी नहीं पड़ती। नाज़नीन पेग 5 सालों में ही 4 बच्चों की माँ बन चुकी थी और चौथे बच्चे के जन्म के बाद वे इस कदर कमजोर हो गई थी कि 6 माह तक स्कूल नहीं आ पाई थी। उनकी हालत इतनी खराब और नाजुक थी, मगर मियाँ जी को इसकी परवाह कहाँ थी। वो तो नाज़नीन बेगम का कलेजा था कि साफ साफ कह दिया
कि वो तो नौकरी के लिए स्कूल तभी जाएगी जब मियाँ जी इस चौथे बच्चे के बाद और बच्चे पैदा करने की जिद नहीं करेंगे। अब मियाँ जी कुछ खास करते धरते तो थे ही नहीं, और जब से पत्नी ने स्कूल में पढ़ाना शुरू किया था वो कुछ ज्यादा ही घर परिवार के खर्चों से लापरवाह हो गए थे। आखिर लंबी जद्दोजहद के बाद मियाँ को बात माननी पड़ी। वो कहते हैं ना कि जिंदगी चलाने में अर्थ यानी पैसा सबसे वजनदार मैटर होता है, लेकिन उसके बाद उनकी महफिलों की संख्या और अपनी पत्नी के प्रति शंका दिन प्रतिदिन बढ़ती ही गई। लेकिन खटर पटर करके दिन गुजरते रहे। देखते देखते 10 साल बीत गए। हमेशा की तरह घर के बाहर बने हॉल टाइप कमरे में मियाँ जी की महफिल सजी थी। एक के बाद एक शेर व शायरी का दौर चल रहा था। मियाँ जी चाय की फरमाइश कर चुके थे, लेकिन 7 बज गए थे और अभी तक चाय महफिल में आई नहीं थी। तभी किसी ने मियाँ जी को ललकारते हुए कहा, आज बेगम की तबीयत कुछ नासाज है क्या? कहने की बात बहुत छोटी थी, लेकिन मियाँ जी ने इस बात का मतलब चाय के साथ जोड़ लिया। एक सीधी और सरल सी बात मियाँ जी के सीने में कील सी चुभ गई। उन्हें चाय का आदेश दिए 1 घंटे से ऊपर हो गया था, किंतु अभी तक चाय आई नहीं थी। अभी वे अपने अहंकार को ठीक से सहला ही रहे थे कि दूसरे ने धीरे से किसी तीसरे के कान में कहा, लेकिन बात कुछ इस तरह की कही गई कि सबको लगे बात को चुपके से कान में कहा गया है, लेकिन सुन सब ले। बेगम साहिबा स्कूल में पढ़ाती है, अच्छा कमाती है, वह हम जैसे लखैरों के लिए इतनी जल्दी चाय कहाँ बनाने वाली। बहुत धीरे से कही गई ये बात किसी तीर की तरह निकली और मियाँ जी के सीने में जा घुसी। अब मियाँ जी तमतमाते हुए उठे और सीधे घर में घुसे तो एक नौकरानी उनके बच्चों के लिए दूध बना रही थी और सभी चारों बच्चों को मौलवी साहब एक कमरे में पढ़ा रहे थे। नौकरानी को दूध के गिलासों में डालता देखकर उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और फिर न आगे देखा न पीछे, सीधा गिलासों पर अपना पांव दे मारा। ढेर सारा दूध उनके पांव पर गिर गया और गिलास लुढ़कते हुए दूर जा गिरे। अपने जले हुए पैरों की परवाह किए बिना सीधे कमरे में पहुंचे तो देखा बेगम सो रही है। अपने आदेश की इतनी अवहेलना एक पुरुष का अहंकार कैसे स्वीकारता, सो अपनी सोती हुई बेगम को सीधा बोल दिया, तलाक तलाक तलाक। मियाँ जी के जोर बोले गए इन 3 शब्दों को मौलवी साहब और नौकरानी सुनकर आंगन में निकल आए। तमतमाते हुए मियाँ जी कमरे से बाहर निकले और पीछे पीछे धबड़ाई हुई बेगम साहिबा। मौलवी साहब के पीछे पीछे सहमे सहमे से सभी बच्चे भी आंगन में आ गए। बाहर कमरे में जमी महफिल से आती ठहाकों की आवाजें चारों तरफ घर में गूंज रही थी। अब बच्चे इतने छोटे तो थे नहीं कि तलाक 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 का मतलब ना समझ पाए। डरे सहमे और घबराए बच्चे मौलवी साहब के पीछे खड़े थे। सामने से आते हुए मियाँ जी को रोककर मौलवी साहब ने पूछा, ये क्या किया आपने? वही जो अब जरूरी था। कोई नाराजगी हो तो क्या कोई अपनी बीवी को इस तरह तलाक देता है? तलाक? सक पकाती हुई नाजनीन बेगम के मुंह से निकल गया। बात की गंभीरता को समझते हुए मौलवी साहब ने धीरे से कहा, मियाँ जी ने आपको तलाक दे दिया है। नाजनीन बेगम सर पर हाथ रखकर वहीं जमीन पर बैठ गई और थोड़ी देर बाद सर उठाकर नौकरानी की ओर देखा और जैसे पूछ रही हो कि क्या ये सही है। नौकरानी ने भी अपना 2.5 किलो का सर हिलाकर अपनी सहमति दे दी। अपने गुस्से को काबू में करते मियाँ जी बस अभी महफिल में पहुंचे ही थे तो पीछे से मौलवी साहब ने पहुंचकर तलाक वाली बात कर दी। ठहाकों से गूंज रही महफिल अचानक शांत हो गई और धीरे धीरे एक एक कर सभी महफिल से उठ लिए और बचे केवल मियाँ जी और मौलवी साहब। महफिल खाली हुई तो मियाँ जी का अहंकार भी कम हो गया।
कहते हैं ना कि महफिल में आसमान चढ़ा अहंग का भूत अकेले में जमीन पर लौटने लगता है। मियाँ जी की अकड़ थोड़ी ढीली हुई तो मौलवी साहब की ओर घूमते हुए धीरे से पूछा, अब क्या हो सकता है? कुछ देर तक सोचते रहने के बाद अपने सिर को खुजाते मौलवी साहब ने धीरे कहा, आपको अपनी बेगम का हलाला कराना होगा। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है? मौलवी साहब की बात सुनकर मियाँ जी धम्म से एक सोफे पर बैठ गए। बैठे क्या, लगभग गिर गए। अब इसे बैठना भी कहा जा सकता था? मौलवी साहब अपना काम कर चुके थे। और धीरे से वो भी निकल लिए। जिंदगी के फलसफे पर कुछ हादसे जमीन की और आसमान से लपकती बिजली की तरह होते हैं, और जिस किसी के भी सर पर ये गिरते हैं उसे जला कर राख कर देते हैं। तलाक, 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 ये तीन शब्द किसी बिजली की तरह उसके सर पर गिरे थे। हालांकि ये शब्द उसने अपने कानों से सुने नहीं थे, लेकिन मौलवी साहब के कहने और नौकरानी द्वारा सिर हिलाकर कंफर्म करने के बाद ये तीन शब्द उसके कानों में चारों ओर से गूंजने लगे। इन शब्दों का वजन और शोर अब तक कटी पूरी जिंदगी पर इतना भारी और ज्यादा था कि जिसे वो अकेले ना उठा सकती थी, और ना ही उसे अपने बच्चों के लिए कोई आसरा दिखाई दे रहा था। एक पल को लगा कि जैसे वो किसी वीरान सन्नाटे में पहुंच गई हो, जहां दूर दूर तक भी आगे और पीछे कोई ना हो और चारों ओर ही घना अंधकार हो। यदि अपना ही एक हाथ दूसरे को खोजना पड़े तो वो भी ना मिले, ऐसे जैसे शरीर में जान ही ना हो, बस एक बुत की तरह स्थिर और बेजान। बच्चे थोड़े बड़े जरूर थे, मगर इतने नहीं कि बहुत कुछ समझ सके। हुआ क्या है? वो नौकरानी के पीछे सहमे सहमे चुपचाप खड़े थे, कुछ समझने का प्रयास करते। ये तो अच्छा हुआ कि नौकरानी ने थोड़ी हिम्मत से काम लिया और सभी बच्चों को अपने अपने कमरे में भेज दिया। मियाँ जी बाहर वाले कमरे से वापस नहीं लौटे। नौकरानी अपने कमरे में जाकर बदहवास सी जमीन पर बैठ गई। एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि रिश्ता बनाने में स्त्री पुरुष दोनों का बराबर योगदान रहता है, तथा इसमें समय और परिश्रम भी लगता है, किंतु जब रिश्ता खत्म करना हो तो उसे एक झटके में कैसे कर देते हैं? तलाक पुरुष के मुंह में छिपा एक घातक हथियार है। क्या उस समय पुरुष एक बार भी नहीं सोचते कि धीरे धीरे दोनों ने एक दूसरे में कितनी अच्छाइयां खोजी होगी? क्या एक साथ सब झूठी हो जाती है, या कोई एक कमी सारी अच्छाइयों पर भारी हो जाती है? सदियों से स्त्री जाने अनजाने में पुरुष के हाथ का खिलौना रही है। उसने जब चाहा उसे खेला, भोगा, तोड़ा, मरोड़ा, और जब पेट भर गया तो उठाकर बाहर फेंक दिया। हमारा भी कोई अस्तित्व है? सोचते सोचते उसका शरीर निढाल होता जा रहा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, किसे समझाए और कैसे। मियाँ जी के सामने तो उसकी सिट्टी पिट्टी वैसे भी गुम रहती थी, और बेगम साहिबा के लिए उसके पास शब्द नहीं थे। नाजनीन बेगम की ठहर सी गई जिंदगी की सतह पर रात धीरे धीरे गहरी होती जा रही थी, लेकिन उसके मन के धरातल पर ना थमने वाला एक तूफान उमड़ रहा था। औरत को रोका गया, टोका गया, छोड़ा गया, रखा गया, परखा गया, बस उसे कभी समझा नहीं गया। यही कटु सत्य अब उसके सामने था। बस एक तेरे साथ के सिवा कोई ख्वाहिश नहीं रह गई थी, मगर वो भी पूरी ना हो पाए। शायद सबको साथ लेकर चलने की तमन्ना रखने वाले लोग अक्सर ही आखिर में खुद अकेले रह जाते हैं।
तुम्हारे घर परिवार दोस्तों और बच्चों के लिए क्या नहीं किया मैंने, कौन सी कुर्बानी देने को बाकी रखी। तुमने जब चाहा जैसे चाहा मुझे भोगा। मैं भी इंसान हूँ और कभी थक भी सकती हूँ। कभी सोचा है तुमने, कभी मेरी इच्छाओं क्या याद है तुम्हें, कभी मेरी इच्छाओं का भी ख्याल रखा हो, मेरे मन मेरी भावनाओं का कभी सम्मान किया हो। तुम्हारे चारों तरफ मैं एक कठपुतली की तरह नाचती रही और अब अचानक एक दिन तुम्हारे लिए इतनी गैर जरूरी हो गई, पहले कभी ना सोच सकी थी। वो एक ना उतरने वाला बोझ अपने सिर पर लिए बैठी रही उन्हीं सन्नाटों में जो अब उसकी जिंदगी की असलियत बन चुके थे। प्रेम में चेहरे की दमक बढ़ जाती है, जाते हुए प्रेम अपने साथ ले जाता है तन की चमक और मन की शांति, दे जाता है आंसुओं का सैलाब, खाली कर जाता है सदा के लिए हृदय का एक कोना जिसमें गाहे बगाहे सिसकती है कुछ यादें, और उन यादों को समेटने में बीत जाता है सारा दिन। लेकिन स्त्री, सरल भाषा में कहूँ तो स्त्री यानी अगरबत्ती, जिसमें आग भी है धीरज भी और सहनशीलता भी, अपने आप को धीरे धीरे जलाकर परिवार को सुगंधित कर देने की ताकत भी। तो सब कुछ छोड़कर नितांत अपने अकेले के लिए जी लेने की शक्ति भी। गुमसुम किसी गुमनाम कली की तरह बैठी रही ऐसे जैसे इस भीड़ भाड़ से भरी इस दुनिया में उसे कोई जानता ही ना हो और वो भी किसी को ना जानती हो। जिंदगी के वीराने क्या होते हैं इसकी पहचान उसे हो चुकी थी। एक नई सुबह के लिए सूर्य चारों तरफ फैले इस गहन अंधकार को मिटने हेतु पूर्व की ओर से आकाश में अपनी अनंत रश्मियों को फैलाने के लिए फिर से तैयारी कर रहा था, तो दूसरी ओर जमाने भर की परवाह किए बिना अपनी शर्तों पर आगे की जिंदगी को जीने का उसका संकल्प अपना निजी फैसला था, जो अब पूरे आत्मविश्वास और मन से लिया जा चुका था। सुबह होते होते बात पूरे शहर में फैल गई थी। नाजनीन बेगम पर स्कूल के प्रिंसिपल महोदय और प्रबंध महोदय की विशेष कृपा हुई, तो उन्हें स्कूल में ही बने हॉस्टल के एक कमरे में रहने की जगह दे दी गई। इससे ज्यादा और एक अकेली औरत को चाहिए भी क्या।